मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई एक लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे जॉब की जरूरत। बात करते ताशु। भाई प्लीज ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़का कहा ना, बाद में बात करते हैं ताशु। ताशु, ताशु, आज की तू बना ली दानिया फैमिली में हुआ एक बड़ा खुलासा। ताश्री दानिया के छुपे हुए टैलेंट्स में से चमका एक और नया ज़ारबॉट की स्माइल वाली खूबसूरत अदाकार और नाटककार निकली एक प्रतिभाशाली कलाकार। छोटी सी है आप ताश्री जी, लेकिन टैलेंट का भंडार है। कैसे कर ली थी आप ये? देखना, अभी अपने कमरे में बैठे होंगे अकेले और गुस्सा ठंडा करने के लिए खतरी अलमारी साफ कर रही हूँ। भाई को जब समझ नहीं आता कि अपनी इमोशन को कैसे हैंडल करे तो वो अपनी अलमारी साफ कर लेते। क्या कितने अजीब है मिस्टर दानिया, उनके बारे में रोज रोज मुझे नई नई चीजें पता चलती हैं। पता, मैं तो सोच रही हूँ उनका नाम मिस्टर दिशाहीन से मिस्टर अतरंगी रख दें। अच्छा ये, अगर वो कपड़े जमाते हैं जब उनका मूड खराब होता है तो मेरे साइड वाले भी कपड़े जमा देंगे क्या? मेरा वाला थोड़ा सा पेंडिंग है। खुद ही गुस्सा दिलाओ और ट्राई करके देख लो। अरे ताश्वी, उस वक्त तुम मिस्टर दानिया से कुछ कहना चाह रही थी किसी लड़के के बारे में? हाँ भाभी, वो मेरा एक फ्रेंड है जो इंजीनियर है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अभी तो वो एक कॉफी शॉप में जॉब कर रहा है, लेकिन दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। वो मुझे भाई से कहना था कि अगर हमारी कंपनी में उसे कोई काम दिला दे तो। इंजीनियर है? हाँ भाभी, मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है। ताश्वी, मुझे लगता है रघुवंशी फैक्ट्री में मेरे पास उसके लिए एक जॉब होगा। हाँ, वो भाभी, लेकिन वो करेगा ना? हाँ भाभी, वो बिल्कुल करेगा। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लेकिन ताश्वी, उसे समझा देना कि ये फैक्ट्री का काम है, ये तालमिया इंडस्ट्रीज के किसी ऑफिस में बैठकर कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। और ये भी हो सकता है कि दो हफ्ते में फैक्ट्री बंद हो जाए, वो फिर भी आएगा। हाँ भाभी, ऑफकोर्स वो बिल्कुल आएगा। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ ना, तुषार बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। बस उसे एक मौका चाहिए, वो सारे काम कर लेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, सच में भाभी। Hi, this is Samriddhi Shukla and you're watching me on Tele Reporter. ताश्वी नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उनके जो भाई हैं वो उनसे थोड़ा उनकी बात नहीं सुनकर उन्हें थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उनको बुरा लग जाता है। मैं उनके कमरे में उन्हें मनाने जाती हूँ। मंदिर में जो भी हुआ उसकी वजह से, जैसे उन्हें मंदिर जाना पसंद नहीं है क्योंकि जब वो छोटे थे तब मंदिर में ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने उनका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, तो इस वजह से वो मंदिर जाना अवॉइड कर रहे थे। तो वो उसी सदमे में है कि वो मंदिर गए फिर अल्टीमेटली, लेकिन उसी सदमे में है कि मतलब जो भी हुआ पूजा के दिन। भाई के पास गए थे किन्हीं के जॉब के लिए, क्या थी? तुषार उनका एक दोस्त है जिसे जॉब की ज़रूरत है, जो इंजीनियर है, तो वो उसी के बारे में बात करने गई थी। ताश्वी वही जो अपने भाई से नाराज़ होकर कमरे में चली गई, फिर वो अकेले स्केचिंग कर रही थी तो मैं उन्हें मनाने गई। मैंने उनका मूड ठीक करने की कोशिश की, फिर पता चला उनके एक दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं जिनको काम की ज़रूरत है, तो मुझे भी याद आता है कि मुझे रघुवंशी फैक्ट्री में किसी इंजीनियर की ज़रूरत है, तो हो सकता है उनका दोस्त मेरी मदद कर पाए कि रघुवंशी फैक्ट्री में आ जाए, उसे भी जॉब मिल जाए और मुझे भी इंजीनियर मिल जाए। वो कुछ छुप कर सुन रही थी, वो कुछ ना कुछ तड़का ज़रूर लगाएंगी, उनको ताश्वी और तुषार के बारे में भी पता है कुछ कुछ, और उन्हें रघुवंशी फैक्ट्री को भी बंद ही रखना है, वो नहीं चाहती हैं कि मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाऊँ, तो वो कुछ ना कुछ रोकने के लिए करेंगी। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए सावी की सवारी।